अभी एक बयान जो है काजल अगवानी जी का वायरल हो रहा है, खेसारी लाल यादव को लेकर, उनके संबंधों को लेकर। वो कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव हमें इमोशनल ब्लैकमेल करते थे, कहते। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशाल, स्वागत है हमारे चैनल भोजप्रिया जहान में। आज दिनेश लाल यादव ने काजल राघवानी को बहुत ही जबरदस्त जवाब दे दिया है। मेरे भाई, क्या जवाब दिए हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, पूरी जानकारी सबूत के साथ आपका भाई दिखाएगा और पूरी जानकारी बताएगा भी। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग अभी तक अपने भाई से जुड़े नहीं है तो सब्सक्राइब और फॉलो करके जरूर जुड़िएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की जानकारी। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा कि अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। चारों ओर बस विवाद ही विवाद आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा और इस विवाद में अनेक स्टारों का अनेक प्रकार का बयान आ रहा है, जिसमें से हमारे भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव का भी बयान आ गया है। कल जब दिनेश लाल यादव अपनी फिल्म के शूटिंग में व्यस्त थे, वहीं पर एक मीडिया वाले भाई पहुंच जाते हैं और खेसारी लाल यादव काजल राघवानी के विवाद को लेकर सवाल पूछ देते हैं। तो दिनेश भैया का जवाब क्या रहता है वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक खास चीज बता दूं कि काजल राघवानी ने कहीं ना कहीं दिनेश लाल यादव पर भी आरोप लगाया था कि दिनेश लाल यादव मुझे फिल्म से बाहर निकलवाकर अमृपाली दुबे को फिल्म में रख लिया था, ऐसा कुछ करके एक बयान दी थी काजल राघवानी, जिस पर दिनेश लाल यादव ने क्या जवाब दिया है पहले वो सुनिए। जो तमाम हीरो है उनके हिसाब की हीरोइन चाहिए जो उनके साथ रहे और उनकी इच्छा पूरा करे, आप क्या सोचते हैं इस पे बता दें। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है ना, देखिए जब एक फिल्म की स्क्रिप्ट बनती है तो वो डायरेक्टर तय करता है कि हमें मतलब क्या किरदार कौन निभाएगा जी, और उस हिसाब से फिल्में बनती है। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, ये सुनने के बाद तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किसी फिल्म में हीरो का मर्जी नहीं चलता है कि वो किस हीरोइन को रखे या किस मॉडल को वो सिलेक्ट करे। वो सिलेक्ट करते हैं फिल्म के निर्देशक और फिल्म के निर्माता, और उन्हीं के का नाम पर जो भी फिल्म में रखा जाता है उसी के साथ हीरो एक्ट करता है। तो यहाँ पर दिनेश भैया ने तो काजल राघवानी को एक बहुत ही सटीक जवाब दिया। दूसरा अगर आप लोगों को बताया जाए तो काजल राघवानी और खेसारी भैया के विवाद में क्या बोले दिनेश लाल यादव, वो साफ साफ बोल दिए कि मैं किसी के पर्सनल मैटर पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, जो कि आप लोग सुन सकते हैं। रही बात किसी के पर्सनल रिलेशन की, तो उसके बारे में वही बता पाएंगे, उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं। उनका पर्सनल रिलेशन है तो वो क्या बोल रही हैं उनके बारे में, अब उसका जवाब वो दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ये भी सुन लिए, लेकिन आप लोगों को बता दें कि खेसारी लाल यादव को लेकर दिनेश लाल यादव भैया ने एक और बहुत ही अच्छी बात बोली है जो कि काजल राघवानी को कहीं ना कहीं चुभ सकता है। क्या बोले हैं दिनेश लाल यादव, खुद आप लोग यहाँ पर उनके ही जुबानी सुनिए। खेसारी जी हैं, उनके इतना कोई मेहनत ही नहीं करता, बहुत मेहनत करते हैं तब आज वो मुकाम मिला। तो मैं तो हमेशा चाहता हूँ, अरे कई जगह पे खेसारी जी ने कहा भी है, कई मंच पे, पहली फिल्म उनकी जब बनी थी रिलीज नहीं हो पा रही थी तो मैंने 20 लाख दे के रिलीज करवाया था। तो जो लड़का इंडस्ट्री में आए इसके लिए मैं इतना सहयोग किया हूँ, तो मैं तो यही चाहूंगा कि और तरक्की करे और आगे बढ़े खेसारी लाल। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, ये भी आप लोग सुन ही लिए। आप लोगों को बता दें कि खेसारी लाल यादव का आज जो भी मुकाम मिला है वो खेसारी लाल यादव का मेहनत के बदौलत से मिला है, ना कि खेसारी लाल यादव को किसी अभिनेत्री का सहारा लेना पड़ा है, ना कि खेसारी लाल यादव का कोई सहारा बना है, बल्कि दिनेश लाल यादव भैया जी, जब खेसारी भैया का फर्स्ट फिल्म रुक गया था, रिलीज नहीं हो पा रहा था, उस टाइम 20 लाख रुपया देकर दिनेश लाल यादव भैया का ये एहसान खेसारी भैया हमेशा अपने स्टेज पर हमेशा अपने इंटरव्यूज में बताते ही रहते हैं। खैर, आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि जिस खेसारी लाल यादव ने अपने मेहनत के बदौलत इतना बड़ा आज अपना साम्राज्य बनाया है, भोजपुरी में नंबर वन का दर्जा पाया है, उस खेसारी लाल यादव पर ये आकर आज के तुच्छ हीरोइनें कुछ इल्जाम लगा के उनके स्टारडम को गिराना चाह रही है। मेरे भाई, तो आप लोग इन लोगों के झांसा में ना आए, आप लोग अपने ट्रेंडिंग स्टार को जैसे प्यार करते हैं हमेशा वैसे प्यार करते रहे। तो चलिए अभी के लिए बस यही था खास जानकारी, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलता हूं फिर अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद।